मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के करंट कॉयल और प्रेशर कॉयल का किस तरह से हम ज्ञात करें कि कौन सी कॉयल करंट कॉयल है और कौन सी प्रेशर कॉयल है, इसके लिए हम जो है ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ये जो है ओम मीटर है, इसको हमने ओम रेंज में ले लिया है और इसकी दोनों लीडें जो है वो हम मीटर के टर्मिनल पर लगाते हैं। जब मीटर के टर्मिनल पर हमने दोनों लीडें लगा दी तो अभी जो है ये 68.7 किलो ओम इसकी रीडिंग आ रही है। तो ये जो मीटर है वो वोल्ट मीटर है, तो इसकी प्रेशर कॉइल पतले तारों की बनी है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 68.7 किलो ओम। अब ये दोनों लीडें एम्पियर मीटर के इस मीटर पे जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जीरो ओम हो गया। तो एम्पियर मीटर मोटे तारों का होता है तो इसका रेजिस्टेंस जीरो ओम है। अब वाट मीटर जो है, वाट मीटर की हम करंट कॉइल पे जब हम इसको लगाते हैं तो ये जीरो ओम बता रहा है। अब इसकी प्रेशर कॉइल पर लगाते हैं हम, 112 वोल्ट वाली प्रेशर कॉइल पर जब हमने लगाया तो इसका प्रतिरोध जो है वो 6.84 किलो ओम आ गया। और 230 वोल्ट वाली रेंज पे जब हम इसको लगाते हैं तो ये जो है 13.62 किलो ओम आता है। इसी तरीके से पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर की करंट कॉइल पर अभी जो है जीरो ओम बता रहा है और प्रेशर कॉइल का जब हम नापते हैं टर्मिनल तो ये जो है 22.9 किलो ओम बता रहा है। तो इस तरह से जो है हम मीटर के टर्मिनलों की पहचान कर लेते हैं कि मीटर करंट कॉइल है या प्रेशर कॉइल है। यदि हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड ले लें, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है हमारे पास में, इसके दोनों टर्मिनल शॉर्ट करके बताओ, जब हम शॉर्ट कर लेते हैं तो ये बल्ब जलता है। तो यदि हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो बल्ब नहीं जला और मीटर में विक्षेप आ गया। एम्पियर मीटर वाले में जब हम लगाते हैं तो बल्ब जलता है, इसका मतलब ये मोटे तारों का है, बल्ब पूरा जल रहा है। इसकी करंट कॉइल को जब हम टेस्ट करते हैं तो बल्ब पूरा जल रहा है। और 230 वोल्ट वाले में लगाओ, 230 वोल्ट वाले में लगाते हैं तो बल्ब में रोशनी नहीं आती। इसी तरीके से पावर फैक्टर मीटर के जब हम करंट कॉइल पर लगाते हैं तो बल्ब पूरा जलता है और प्रेशर कॉइल पर लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलता। इस तरह से हम जो है रजिस्टर ओम मीटर मल्टीमीटर में जो है हम ओम रेंज में ले लेते हैं, ओम रेंज में लेके चेक कर सकते हैं, या फिर हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा भी हम टेस्ट कर सकते हैं। परंतु हम दो, अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज 230 है तो हमें ये निश्चित हो जाना चाहिए कि हम जिस प्रेशर कॉइल पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो 230 वोल्ट लायक होना चाहिए। जैसे यहाँ 112 वोल्ट की है तो यहाँ हम 230 वोल्ट दे के इसको नहीं दे सकते, तो ये हमें सावधानी रखनी होगी।